आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। महामहेश्वराचार्य श्री अभिनव गुप्त की जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं अर्पित करते हुए कृपया अपने माइक ऑफ रखिएगा, नहीं तो फिर कठिनाई होती है, समय आने पे आप अपना माइक ऑन कीजिए। आज की ये परिचर्चा जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड पाली पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तथा उसके साथ हरियाणा संस्कृत अकादमी तथा अन्य सभी संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस परिचर्चा के आज के कन्वीनर हैं और इस सारी परिचर्चा के लिए उन्होंने जो उद्यम किया है उन वो धन्यवाद के पात्र हैं। विषय की ओर अग्रसर होते हुए कि इससे पूर्व कि मैं विद्वान वक्ता का परिचय कराने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र जी को आमंत्रित करूं, भूमिका के रूप में मैं एक दो बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। विषय जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये विषय हमारा है आचार्य अभिनव गुप्त की लोक चेतना का स्वरूप। अब ये जो लोक चेतना शब्द है ये अपने आप में बहुत व्यापक है, बहुत संवेदनशील शब्द है और इसीलिए इसको समझना और जानना हम सभी के लिए हमारी अल्पमति के अनुसार इसको समझना जानना थोड़ा कठिन है। इसीलिए इसके स्वरूप को जानने के लिए, इसके तत्वों को समझने के लिए हमने आज विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को आमंत्रित किया है। ये विषय और गंभीर हो जाता है और व्यापक हो जाता है जब हम इसको आचार्य अभिनव गुप्त की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि लोक चेतना शब्द अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग रूपों में किया है लेकिन मुख्य रूप से दो चेतनाओं का मुझे जरूर ध्यान आता है। एक है वैष्णवी लोक चेतना, वैष्णव संप्रदाय की लोक चेतना का स्वरूप क्या है और दूसरा शैवी लोक चेतना, ये एक दूसरा पक्ष है। हालांकि ये शब्द आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे अन्य शब्दों को जोड़ करके भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन उससे भी पूर्व का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्यों हमने, वो प्रश्न क्या है और क्यों है उसका उत्तर मैं आपको ये नीचे एक श्लोक जो आचार्य अभिनव गुप्त ने ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी में दिया है उसको, उसके माध्यम से आपको क्यों और क्या का उत्तर देना चाहता हूं कि क्यों आचार्य अभिनव गुप्त की जयंती हम मनाएं, क्यों उनके बारे में चर्चा करें, क्यों उनको जानने का प्रयास करें। वो उपसंहार के श्लोक में क्या कहते हैं कि पाषाणान प्रतिवक्तु कह शुणुत भो युष्मान ब्रुवे जंगमाः शय्योत्थाय मनर्थ मर्थ सरणे कोयम वृथैवोद्यमः संवित धामनी शांभवे विशत चेत कालीयमेकं लवं किं किं वर्ण निकाभिराभिरभितः सत्यं स्वयं ज्ञास्यत। अर्थात कि पत्थरों के प्रति कौन कहने का साहस करता है, हे जीवित लोगों मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूं। ये है उत्तर कि हमें क्यों अभिनव गुप्त के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्यों उनकी शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा उद्बोधन करते हैं, वो हमारी चेतना का संस्कार करने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है इसलिए हमें आचार्य अभिनव गुप्त के विषय में चर्चा करनी चाहिए। क्या कहते हैं वो कि उद्यम करने के लिए क्या कहते हैं, तुम शैया से उठकर अनर्थ रूपी अर्थ के पीछे दौड़ने का क्यों व्यर्थ उद्यम कर रहे हो। दिशा निर्देश दे रहे हैं वो हमें, सही मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अभिनव गुप्त की शरण में जाना चाहिए। यदि शांभव संवित रूपी धाम में एक क्षण के लिए भी प्रवेश कर लोगे तो सत्य को स्वयं जान जाओगे, हमारी इन शास्त्रोक्त वर्णिकाओं का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। कितनी अद्भुत बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं को भी वो गौण कर देते हैं यदि वो आपको वो किस लिए उद्यत करते हैं, स्वयं अपने अनुभव के लिए। तो उस शांभव अनुभव के लिए जिसे मुझे लगता है कि शैवों की लोक चेतना का स्वरूप शांभवी लोक चेतना कहना उसको ज्यादा उचित है, तो उस वजह से उद्यम के लिए तत्पर करने के लिए, हमें सजग करने के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं
स्वयं मुक्त होते हुए, स्वयं सिद्ध होते हुए भी, तो उसके लिए आचार्य अभिनव गुप्त की शरण में जाना मुझे लगता है बहुत आवश्यक। हालांकि लोक चेतना के बारे में मैं 2-3 बातें आपसे फिर साझा करूंगा, लेकिन उससे पूर्व मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं संस्कृत एवं पाली विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, कि वो आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करें और साथ में हमारे जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं जो शैवी चेतना के आनंद में आंदोलित होना चाहते हैं, उन सभी का वो स्वागत करें। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम तो इस जालपुट पे जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं अभिनव गुप्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये जो जैसा अभी आशुतोष जी चर्चा कर रहे थे कि अभिनव गुप्त जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम उनके विषय में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो ये जयंती मनाना क्यों अनिवार्य है, ये भी एक प्रश्न है। ये क्योंकि हमारे यहाँ जो 3 ऋण हैं, ऋषि ऋण उनमें एक ऋण है, उससे भी ऋण होने का ये उपक्रम है और आप सभी इस उपक्रम में प्रतिभागी हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और प्रमुख रूप से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी का, और जो आज के मुख्य वक्ता हैं। और डॉक्टर साहब के विषय में इनको जितना सुना जाए, मेरी अपनी पर्सनल, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि मैं बार बार उनको सुनना मेरा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, और हमेशा जब भी उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सरस्वती का वरदहस्त इनके ऊपर है, और वो वरदहस्त जो सरस्वती का है, इनकी मुखारविंद से जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, और निरंतर हम उसको सुनते रहें। ऐसे प्रखर वक्ता और ऐसे विद्वान मनीषी आज हमारे मध्य हैं, जो मुख्य व्याख्यान जिनका रहेगा, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वो अपने व्याख्यान से हमें आप्लावित करेंगे। और जैसे कि लोक चेतना के स्वरूप के विषय में अभी चर्चा हो रही थी, मेरा अपना ये मानना है कि शास्त्र लोक का परिष्कृत रूप होता है। डॉक्टर साहब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मैं भी जिज्ञासु हूँ इस संदर्भ में जानने के लिए कि लोक के परिष्कृत रूप को ही शास्त्र के रूप में परिणति मिलती है, तो ऐसा लोक चेतना से जो अभिनव गुप्त जी का इतना विशाल उनका साहित्य है, उनके साहित्य को अगर हम देखें तो 3 क्रम में उनको विभाजित किया जा सकता है, काव्य शास्त्र से संबद्ध और दर्शन से संबद्ध और स्तोत्र काव्य से संबद्ध ऐसी, और अभी इस पर विस्तार से चर्चा डॉक्टर साहब करेंगे कि उस सभी प्रकार की जो उनके शास्त्र विमर्श रहा, उनकी शास्त्र चेतना रही, उसमें लोक की क्या देन है, लोक का उसके पीछे क्या योगदान रहा, उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और कश्मीर जहाँ से वो आते हैं, आप देखिए कि प्रथम शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उस धरा से इतने विद्वत जन, इतने उद्भट विद्वान इस धरा ने पैदा किए कि हम सब उनके इस धरा के ऋणी हैं और नतमस्तक हैं, और पुनः चाहते हैं वहाँ उसी तरह की जो शास्त्र परंपरा का जो है वो विकास, वो निर्वहन हो, वो गंगा निरंतर अजस्त्र रूप से प्रवाहित होती रहे। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि मैं खुद बहुत डॉक्टर साहब को सुनना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको समय मिले, और मैं सभी इस जालपुट पे जुड़े हुए कौशल जी हैं और आरएल भट्ट जी, इसके अलावा जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप इस अभिनव गुप्त जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए और डॉक्टर साहब के व्याख्यान को सुनने का आज हमें सौभाग्य मिलेगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर अंगिरस जी, रमाकांत अंगिरस जी को निवेदन करूंगा, वो अपना व्याख्यान हमें दें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, स्वागत करने के लिए, स्वागत वचनों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और
इससे पूर्व कि मैं अगली बात आरंभ करूं, थोड़ा सा चर्चा को अग्रसर करूं, उससे पूर्व मैं श्री सुनील रैना राजानक जी का भी स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस सारे कार्यक्रमों का जो प्रेरणा स्रोत है वो वही है, क्योंकि वो महासाहस वृत्ति वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए वो ये कार्यक्रम जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समयों पर वो आयोजित करते हैं। और ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि हर वर्ष जो है आचार्य अभिनव गुप्त के ऊपर उनकी जयंती के अवसर पर वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे, और ये निश्चित रूप से वो इस कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। पिछले लगभग, जहां तक मैं जानता हूं, लगभग 6-7 वर्षों से तो वो निरंतर इस कार्य में जुटे हुए हैं, तो उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और धन्यवाद। रैना जी का बहुत बहुत स्वागत विभाग की तरफ से भी, और इनका मुझे फोन भी आया था, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, मैं उधर काउंसलिंग में थोड़ा व्यस्त रहा, इस वजह से चर्चा नहीं हो पाई, मैं बाद में भी चर्चा करूंगा इनसे, और बहुत बहुत विभाग की तरफ से भी इनका स्वागत अभिनंदन, और इतने जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत और अभिनंदन है। चलिए चर्चा को थोड़ा अग्रसर करते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह का परिचर्चा का आयोजन करते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि कुछ मात्रा में हम जानते हैं लेकिन अधिकांश को हम नहीं जानते ना समझते हैं, इसलिए विद्वान वक्ता को हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे सीमित ज्ञान को थोड़ा सा और अग्रसर कर दें और विस्तार उसको दे दें। अब सामान्य रूप से जब आप अभिनव गुप्त की बात करते हैं तो आप अभिनव गुप्त को उनके किए गए जो रचनाएं हैं उनसे आप पहचानते हैं, क्योंकि होता भी यही है, नाम और उनके जो कर्म हैं उनसे, उनकी जो सफलताएं हैं उनसे आप व्यक्ति को पहचानते हैं, ये समाज का एक स्वाभाविक सा एक व्यवहार है। तो जैसे कि आप उनकी रचनाओं क्रम स्तोत्र और भैरव स्तोत्र, ईश्वर प्रतिज्ञा, मुझे ये सारे गिनाने की जरूरत नहीं, तंत्रालोक, तंत्र सार, अभिनव भारती और इस तरह के लगभग 50 ग्रंथ जो हैं उन्होंने अपने जीवन काल में हम भारतीयों को दिए हैं, और वस्तुतः उन्होंने हम सबको वो प्रेरणा का मार्ग दिया है कि किस तरह से तर्क करना है, किस तरह से अपने कवि हृदय को भी बचाना है, अति बौद्धिकता से भी बचना है और उसमें जीवन को भी जीना है। इसलिए अगर आप दूसरी ओर देखें इस स्लाइड में तो आपको ये सारे के सारे गुण धर्म जो हैं आपको आचार्य अभिनव गुप्त में मिलते हैं। वो योगी भी हैं, तांत्रिक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, भक्त भी हैं, साहित्य शास्त्री होने के साथ साथ संगीतज्ञ, कवि, वेदज्ञ, सिद्ध साधक और जितने आप शब्द सोच सकते हैं आपको सारे के सारे गुण धर्म उनमें ही आकर के मिलते हैं। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनके अभिनव गुप्त जो नाम है वो नितांत सार्थक है, क्योंकि अभिनवता है लेकिन जो गुप्त है, जो छिपा हुआ है, जो गूढ़ है, वो किस तरह से आके नए नए रूपों में उनमें अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए उनके नाम की सार्थकता हमें दिखाई देती है। लेकिन ऐसे जो व्यापक व्यक्तित्व होते हैं उनको हम अल्पमति कैसे समझें, हमारी बुद्धियां तो बहुत सीमित हैं। तो उसके मुझे लगता है कि 3 पक्षों से हमें परिचित होना होगा, जिसका मैं निवेदन आज के मुख्य वक्ता से करूंगा कि सबसे पहला तो जो उनका रूप हमें देखने में आता है वो उनका पार्थिव रूप होता है, जिसे आप हमने लोक चेतना शब्द दिया, लोक से जो बोधित होता है, क्योंकि पार्थिव का मतलब क्या है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है और पृथ्वी में ही जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आपको ये सारे के सारे जो साहित्य है प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आपको उनके चित्र दिखाई देते हैं, आप उनको प्रत्यक्ष कई रूपों में प्रत्यक्ष कर पाते हैं और उसका प्रत्यक्ष आप अपने अपने व्यवहारों में भी देख पाते हैं। वो व्यवहार क्या है कि आपके किचन से लेकर के रसोई घर से लेकर के आपके बिजनेस, आपके रोजमर्रा के अन्य अन्य जितने भी व्यापार हैं उन सब में कहीं ना कहीं वो अभिनव गुप्त की चेतना कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होती दिखाई देती। तो इस दृष्टि से पार्थिव चेतना का जो पक्ष है, पार्थिव पक्ष जो है उसको हमें पकड़ना होगा, समझना होगा। दूसरा उनका शाश्वत पक्ष क्या है, शाश्वत पक्ष का मतलब है कि जो उन्होंने पीछे से चली आ रही परंपरा को ग्रहण किया और उसको नए रूप में जो प्रस्तुत किया वो क्या है, उसके उस पक्ष को भी हमें जानना होगा, क्योंकि सारे विचारों का, सारे व्यवहारों का उन्होंने समन्वय करके एक नए रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है, लेकिन उसकी व्यापकता कितनी है ये हम नहीं जानते। तीसरा जो पक्ष है वो है उनका चिन्मय रूप,
कि उन्होंने कौन से ऐसे मूल्यों को स्थापित किया, आनंद के मूल्यों को स्थापित किया, सौंदर्य के मूल्यों को स्थापित किया, और जिसके आधार पर आज जिस लोक चेतना की हम बात करने जा रहे हैं वो लोक चेतना जो है वो समग्र रूप में जो है वो उसमें आनंद औक्षलता और स्वातंत्र का वो अनुभव कर पाती, उससे वो जो लोक चेतना है वो अग्रगामी होती है। तो उस चिन्मय रूप में जो मूल्य उन्होंने स्थापित किए हैं उसको हम आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं और समझना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आप और हम सभी मिलके इस बात को जानना और समझना चाहते हैं कि ये जो लोक चेतना जब शब्द हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिए कि हम जन शब्द से इसको अलग कर रहे हैं। मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अंतर बहुत बारीक है जन और लोक में, लेकिन मुझे ऐसा पढ़ने में जहां तक आया वो लगा कि जन जो है वो अपनी बुभुक्षा अपने भय से ऊपर नहीं उठ पाता, वो स्वार्थ अपने लिए जीता है। जन जो है वो व्यक्ति निष्ठ हो जाता है, लोक जो है वो संस्कारित रूप है उसका, कि जहां हम दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं उसमें सौंदर्य प्रधान है। जन में जो है वो अपने लिए भय हिंसा भूख यही वहां पे प्रधानता रहती है, इसलिए जन चेतना शब्द का हम प्रयोग नहीं करते, लोक चेतना शब्द का ही प्रयोग होता है। और शायद इसीलिए लोक जो है वो लुच धातु जिसे आप कहते हैं कि जहां से प्रकाश होता है वो लोक बनता है। तो प्रकाश कहाँ से आएगा, जब हमारी चेतना का संस्कार होगा और अभिनवित उसका करेंगे। तो अंतिम बात कह करके मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुख्य वक्ता को कि वो हमें इस विषय में अग्रसर करें। आचार्य अभिनव गुप्त की भाषा, क्योंकि जब हम चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा सूक्ष्म और बड़ा संवेदनशील विषय है, इसलिए हमें अभिनव गुप्त की शब्दावली से परिचित होना आवश्यक है। वो कौन सी शब्दावली है आप देख सकते हैं, प्रकाश विमर्श की है, भैरव की है, उद्यमो भैरव जिस उद्यम की मैं पहले ही बात कर रहा था, आभास शब्द है, स्वातंत्र शब्द है जिसके लिए हम सभी झगड़ा कर रहे हैं, सारा का सारा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस फ्रीडम को लेकर के किस तरह से तलवार और ढाल के रूप में इसका प्रयोग करता है, पति पशुपाश मलत्रय। लेकिन दो शब्द जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और जिनको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, एक तो है महासाहस वृत्ति, क्योंकि ये सूत्र भी आता है महासाहस वृत्तिया स्वरूप लाभ, और दूसरा प्रतिभा शब्द है क्योंकि वो प्रतिभा का उन्मेष भी है और प्रतिभा वो स्वयं भी प्रतिभा रूप ही है अभिनव गुप्त, तो एक तरह के पर्यायवाची शब्द है वो उनका। तो इस तरह की शब्दावली को हम ध्यान में रखें तो विद्वान वक्ता की बात को समझने में ग्रहण करने में हम लोग ज्यादा सक्षम होंगे। तो इसीलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को कि वो हमें इस विषय में दिशा निर्देश दें कि इस सारी लोक चेतना शब्द को हम कैसे समझें, और फिर विशेष रूप से शैवी लोक चेतना अगर शब्द प्रयोग करें तब उसका क्या अर्थ होगा और वो किस तरह से वैष्णवी चेतना से अलग होगी, और फिर उसमें अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, कैसे हम अभिनव गुप्त जो है वो इस चेतना का लोक का संस्कार करके इसको सौंदर्य और स्वातंत्र की ओर उन्मुख करते हैं। तो आप सादर आमंत्रित हैं। अधिष्ठाय परां शक्तिम् ईश्वरो व्यज्यते यतः अव्यक्त व्यंजको योगः स व्यंजयतु नः शिवम्। पराशक्ति को अधिष्ठान बना करके शिव स्वयं ही अपने को व्यक्त करते हैं। अव्यक्त व्यंज को योग, अव्यक्त को व्यंजित करने वाला ऐसा योग कश्मीर योग शास्त्र है। सब व्यंजय तो न शिवम, वो हम सबके भीतर के शिव को व्यंजित कर दे, प्रस्फुटित कर दे। परमादरणीय और बहुत ही इस प्रकार की चर्चाओं में संलीन रहने वाले श्रोतृवृंद को
मैं नमस्कार पूर्वक कुछ संबोधन करना चाहूँगा जो थोड़ा बहुत विस्तृत भी नहीं होगा, लेकिन संक्षेप में कुछ बात कहूँगा। तो आज बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है कि और विशेष रूप से जो हमारे कश्मीरी बंधु हैं उन कश्मीरी बंधुओं को आज के दिन बधाई देने का दिन इसलिए है, हालांकि कल का दिन है, कल 18 को शायद उनकी जयंती उत्सव है, लेकिन आज ही कार्यक्रम आपने सुविधा के अनुसार कर लिया तो कोई उसमें औपचारिकता की बात नहीं है। तो बहुत बहुत आप सब लोगों को इस अवसर पर सहभागी बनने के लिए एक अभिनंदन भी करता हूँ और बहुत बहुत कश्मीरी बंधुओं को विशेष रूप से बधाई भी देता हूँ। ये विषय दरअसल में मेरे कुछ ऐसे ध्यान में आता है कि जब उनका आचार्य अभिनवगुप्त का एक तो नाम ही अभिनवगुप्त जो था, ये संस्कृत के आचार्यों में बड़ा ही आज भी उतना ही ये बिल्कुल आधुनिक लगता है शब्द, और अभिनव शब्द जो है अभिनव रूपा शक्ति तद्गुप्तो योसो महेश्वरो देवः। अभिनव शब्द का अर्थ एक पंडित करते हैं कि शक्ति अभिनव रूपा जो है वो शक्ति है, उस शक्ति से जो गुप्त है अपनी शक्ति से ही जो महेश्वरो देवः, तो वो महेश्वर जो है वो हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें, महेश्वर ही। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो योगिनी भू माने योगी माता पिता की संतान होने के साथ साथ वो स्वयं भैरव का ही अवतार थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो स्वयं शिव ही भैरव रूप में आविर्भूत हुए थे। तो ये बात लोक चेतना की जब आई मेरे सामने तो मुझे उसमें ध्यान आया उनके एक स्तोत्र का कि प्रत्यक्ष रूप में लोग के प्रति अपनी जो जागरूकता है और अपनी जो प्रतिबद्धता है ये उनका जीवन दर्शन जो है वो तो प्रकट करता है, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में बात करते हैं। इत्थम सुशक्ति किरणवघ्नुति प्रबंधान आकर्ण्य देव यदि मे ब्रजसि प्रसादम तेनाशु सर्व जनताम निशासनांशु पटलाम विधेयात। वो जो कहते हैं कि हे शिव यदि आप मेरे इस इतने स्तोत्र को सुनकर के आप कुछ भी आपको प्रसन्नता हुई हो तो मैं आपसे इत्थम सशक्ति किरणोघ्नुति प्रबंधान अपनी शक्तियों की किरणों का जो समूह है उसके बारे में जो मैंने प्रबंध ये लिखा है इन प्रबंधों को सुनकर के यदि आप थोड़ा सा भी कुछ प्रसन्न हुए हैं तेनाशु सर्व जनताम नहीं शासनांशु पूरी तमाम तो वो आप कृपा करके ये अंधकार से पूरित जो जगत है इस अंधकार से पूरित जगत का सर्व जगताम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया तो उसको उसका जो तमक पटल है लोगों की बुद्धि के ऊपर जो अंधकार का पटल पड़ा हुआ है उस अंधकार के पटल को आप परे हटा दीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वातंत्र का अनुभव कर सके। क्योंकि जीना जीने का मतलब है
यहाँ पर जीने का मतलब सांस लेना नहीं है, यहाँ जीने का अर्थ है, जीने का अर्थ है स्वातंत्र के साथ जीना, स्वातंत्र का अनुभव करना। आज कितना ज्ञान विज्ञान चाहे फैल गया है, लेकिन उसमें स्वातंत्र नाम की वस्तु बहुत ही एवर मिसिंग लगती है, उसमें बहुत उसमें त्रुटि है। तेनाशु सर्व जनता अमरी शासनांशु, तो आप अपने शासन से उसकी वो तमक पटल जो है अंधकार का जो उसके ऊपर छाया हुआ पर्दा है, वो पर्दा हटा लीजिए। और ये किसके लिए डिमांड करते हैं? ये वो डिमांड करते हैं आम पब्लिक के लिए। संस्कृत में ऐसा आचार्य जो इस प्रकार से वो बहुत सूक्ष्मताओं में जाते हैं, लेकिन सूक्ष्मताओं के जाते हुए वो लोक के प्रति जागरूकता है कि आकर्ण यदि मैं ब्रजसी सहसा प्रसादन, अगर आपने मेरी स्तुति सुनकर कि आप जरा भी खुश हुए हैं, तो मैं अपने लिए नहीं कुछ मांग रहा हूँ, मैं लोक के लिए मांग रहा हूँ। लोक के लिए क्या मांग रहा हूँ? एक ऐसा स्वस्थ जीवन जिसके अंदर लोग जो हैं वो अपनी जीवन का आनंद ले सकें पूरी तरह से। संस्कृत के परवर्ती कवियों में से कुछ और लोगों ने भी ऐसा बाद में संकल्पना की कि मोदनताम जन्म भाज है, जन्म भाज है, जो लोग भी जिन्होंने जन्म लिया इस पृथ्वी के ऊपर वो आनंद में जी सकें। तो ये आनंद में जी सकने का कुछ संस्कृति आचार्यों का कवियों का एक अभिप्राय रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अविद्या रहित जीवन को जीने का एक मौलिक स्वर जो है वो वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इस बात का आप प्रभाव देखें तो आपको बड़ा उसमें वैदिक मंत्रों के अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें बहुत बार पढ़ते रहे, इस बात को सुनते रहे कि अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूयते तमो यहु विद्यायाम रता। इस मंत्र को आचार्य अभिनव की शैली में इसी ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया। मूल स्वर ये क्या था? अंधम तम प्रविशन्ति, ईशोपनिषद का ये मंत्र है, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते। जो लोग अविद्या में जीना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं अज्ञान ठीक है, एक व्यक्ति था उसको किसी से संघर्ष हुआ, कुछ ऐसे बात चली कि अरे पंडित जी जी आप ठीक नहीं पाठ कर रहे हो, गलत पाठ कर रहे हो, वो पंडित जी उससे अपना गलती बताने से रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के वो बताने वाले को शाप देने लगे कि तुम हमें ठीक होने की बात कहते हो। तो वो एक बड़ी और एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई उसके अंदर। तो वो कहते हैं कि अंधंतम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, ये सबसे जटिल मंत्र है ईशोपनिषद के। ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना कर रहे हैं वो लोग क्या है? अंधंतम प्रविशन्ति, वो घोर अंधकार में जा रहे हैं। अंधंतम दो प्रयोग कर दिए हैं, अंधेरा और तम दोनों ही एक ही शब्द एक ही अर्थ के वाचक लगते हैं, लेकिन अंधंतम एक ऐसा अंधकार है जिससे कोई निकलना नहीं चाहता है। ये अज्ञान है नापृत ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतव, अज्ञान से ही ये सारा ज्ञान आवृत है और उससे जंतु जो है वो मोहित हो रहे हैं, जीव जो है वो मोहित हो रहे हैं। तो मंत्र कहता है कि ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना में लगे हुए हैं, वो साधारण कॉमन आदमी जो है वो अविद्या की उपासना कर रहा है, ठीक है, वो नहीं जानता है, वो कहता है जी मैं क्या करूं, मेरे को सुविधाएं नहीं है, मैं अज्ञान में जी रहा हूँ, अज्ञान जो है वो हमें अब क्या करें, हमें पता नहीं लगता कि ज्ञान अज्ञान क्या है,
तो इसीलिए वो कहता है कि आम जो लोग हैं वो अविद्या की उपासना, वो एक उसको ऐसा इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम अपनी अविद्या में प्रसन्न हैं ऐसा करके जीने का प्रयास करती है। दूसरा लाइन जो है वो बड़ी, अगला जो पाद है मंत्र का वो बड़ा जटिल है, ततो भूय इव ते तमः येहु विद्यायां रतः। तो जो उससे भी अधिक घोर अंधकार में वो लोग प्रवेश करते हैं जो विद्या में रत हैं। अब ये दो तरह के अज्ञानियों की कोटियां बन गई, एक जो है वो बाय नेचर नहीं जानते हैं, वो अविद्या में उनको सुविधा नहीं है, या वो अपने जीवन में जैसा है उसके अंदर उनमें ये महत्वाकांक्षा नहीं जागृत होती या कोई इस तरह का नहीं जागृत होता, लेकिन वो अपने अज्ञान में नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर अज्ञान में जी रहे हैं, उन्हें कोई स्वातंत्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो छोटी छोटी सी जीवन की अपनी जो घटनाएं उनके अंदर जी रहे हैं। लेकिन दूसरा जो पाद है वो बड़ा कठोर है, वो कहते हैं कि ततो भूय इव ते तमः, उससे भी ज्यादा उस अंधकार में लोग प्रवेश करते हैं, यौ विद्यायां रतः, ये विद्या में रत रहने वाले लोग जो हैं, जो अविद्या को ही विद्या समझ करके उसके ही पोषण में लगे हुए हैं दिन रात, वो कौन है? वो है विद्यायां रतः। रता का अर्थ ये है कि जो विद्या में, हालांकि ये सामान्य रूप से अर्थ बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मंत्र निर्देश कर रहा है कि दो कोटियां हैं, एक लोग जो सहज ज्ञान में जी रहे हैं, साधारण सिंपल आदमी, लेकिन एक वो लोग हैं जो अज्ञान को ही ज्ञान बना करके बेच रहे हैं। तो अज्ञान को ही, अपने अज्ञान को ही ज्ञान बना करके बेचने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। मुझे ऐसे लगा कि ये एक मौलिक स्वर जो निगम आगम की परंपरा के अंदर शुरू से चला आ रहा था कि बहुत लोग जो हैं वो इस कारण से, जबकि इस आलोक को हमने माना कि ये सारा संसार, ये सारा जो जगत है ये शिव का ही प्रतिभासन है, शिव का ही एक प्राकट्य है, उसी का एक स्वरण है, तो इस स्वरण स्वरत्ता को हम लोग बिना अनुभव किए जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो सारा ज्ञान हमारा बंदी ज्ञान है, वो गुलाम ज्ञान है। उस ज्ञान के अंदर हम अपनी हानि कितनी कर रहे हैं, जीवन जो है वो एक प्रकार से अर्थहीन होकर के चला जाता है और वो मनोग्रंथियों के रूप में बदल जाता है, कुछ और उसमें जटिल ग्रंथियों के रूप में बन जाता है। इसलिए जब वो परात्रिष्का विवरण वगैरह लिखते हैं अपना, तो उसमें वो संपाद उसी करते हैं कि नर शक्ति शिवात्मकम त्रिकम हृदय या विनिधाय भाषयेत प्रणमामि परामनुत्तराम निज भाषाम प्रतिभा चमत्कृतिम। ये जगत जो है ये शिव का ही स्वरूप है, ये शिव का ही एक आभास है, और ये आभास जो है इसके लिए आचार्य अभिनव ऐसा नहीं है कि वो दूसरे भाष्यकारों की तरह बहुत ज्यादा कोई ऐसा आडंबर नहीं रचते हैं, लेकिन बड़े सरल शब्दों में वो विमर्शनी आदि ग्रंथों के अंदर वो एक एक जो हमारे मतवाद हैं, दार्शनिक सिद्धांत हैं, उन दार्शनिक सिद्धांतों को वो बिल्कुल आपके साथ जैसे बैठ के एक दोस्त दोस्त के साथ बात करता है ऐसे ही कि अरे वेदांत माया को निर्भासते भी कहता है और निर्भासते और उसका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करता है तत्कथम। अब ये बात तो कोई जचने वाली है या नहीं है कि वो उसके आप नकार रहे हो कि वो है नहीं, अगर है नहीं तो फिर आभासित क्यों हो रही, आभास क्यों हो रहा उसका।
तो ये कोई तर्क नहीं बनता है। इसी तरह से वो सौत्रांत्रिकों, विज्ञानवादियों का, मीमांसकों का, न्यायिकों का, लेकिन वो उस क्रूरता से उनका वो नहीं छीलते, क्योंकि उन सबको वो स्वीकार किए, वो सारे मार्ग से वो गए हुए थे और उनकी उपयोगिता भी उनको पता थी, स्वीकृत थी। लेकिन वो एक, जैसे हम आपस में एक बड़ी मैत्रीपूर्ण बातचीत के अंदर प्रत्येक दर्शन के उस बिंदु को, जहां पर उसको पढ़ने के बाद भी अज्ञान नहीं जा रहा है, वहां पर वो एक बिंदु लगा देते हैं कि नहीं, यहाँ देखो ये प्रश्न रह गया, इसमें से इसका समाधान नहीं हुआ। अभिप्राय ये है कि ये जो सारी स्थिति थी, वो स्थिति ये है कि ये सारा जो विश्व है, ये उस स्फुरता का, प्रकाश और विमर्श का खेल है। और ये जो विमर्श शक्ति है, वो विमर्श जो है वो भीतर की ओर भी जा रहा है, बाहर की ओर भी फैला हुआ है, लेकिन उस विमर्श के प्रति लोक जो है वो जागरूक नहीं है। लोक जागरूक नहीं है तो इसलिए वो असंपूर्णता में जीता है, संपूर्णता में नहीं जी रहा है। सब लोग अपने आप को अधूरा मानते हैं, हम कितनी दूर आगे चले हैं विज्ञान में, ज्ञान में, सब जगह, लेकिन अभी तक कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हमने ये चरम सत्य को हमने प्राप्त कर लिया है, कि हमने उस सत्य से जहाँ पहुंचना था हम वहां पर पहुंच गए हैं। तो वो कहते हैं स्वयं कर्तव्यम किमपि कलयन लोक एष प्रयत्नात्। ये विवृति विमर्शनी के अंदर वो कहते हैं कि भी मुझे बड़ा विचित्र लगता है, अभी जैसे विचार करते हैं कोई बहस, वो खम ठोकने वाली बात नहीं करते हैं, वो एक सहानुभूति, एक सहृदय की तरह, सहृदय की तरह वो लोग के साथ बात करना चाहते हैं कि भी मैं बात तुमसे कर रहा हूँ, तुम एक बात बताओ, स्वयं कर्तव्यम किमपि कलयन लोक एष प्रयत्नात् नोपारक्यम प्रतिघटयते कांचन स्वात्म वृत्तिम। ये क्या विचित्र बात है कि स्वयं कर्तव्यम किमपि कलयन, तुम अपने कर्तव्य को, जो करने वाला काम है, उस कर्तव्य को बिल्कुल ना पकड़ते हुए, ये लोक, लोक शब्द का प्रयोग वहां आया है, लोक चेतना, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, ये स्वयं कर्तव्यम किमपि कलयन लोक एष प्रयत्नात् नोपारक्यम प्रतिघटयते कांचन स्वात्म वृत्तिम। जो परमार्थ है उसकी ओर ये कोई बिल्कुल उसको छूना ही नहीं चाहते, जबकि इनको पता है कि आलोक और प्रकाश ही परमार्थ है, और बिना उस आलोक के से शायद वो टैगोर की कविता में था जिसके अंदर वो कहते हैं कि दीप है पर शिखा नहीं, हाय यही क्या मेरा भाग्य, तब मृत्यु ही वर्णीय है। मैं दीपक हूं लेकिन जिसमें ज्वाला नहीं है, तो ऐसा अगर जीवन जीना है तो फिर तो उसे मृत्यु ही वर्णीय है, वो तो एक मरे हुए की तरह जी रहा है। तो उसमें ये बात ध्यान रखने की है, नो पारक्यम प्रतिघटयते कांचन स्वात्म वृत्तिम, वो परमार्थ से जुड़ना ही नहीं चाहता है, वो अपने अज्ञान को ही ज्ञान करके दुकानदारी लगा के बैठ गया। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध साधु, यूनिवर्सिटियां सब उसी ज्ञान को बेच रही हैं, उसी को कह रही हैं कि यही ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है, और सब नौकरी के लिए जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है वही ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, ये साधुओं की बातें हैं, ये महात्माओं की बातें हैं, ऐसा करके उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। तो वो पारक्यम प्रतिघटयते कांचन स्वात्म वृत्तिम, वो स्वात्म वृत्ति पारक्यम, वो जो परमार्थ का ज्ञान है उसके प्रति जो आलोक का ज्ञान है, जो स्वतंत्र, जिसको कश्मीर शैविज्म में स्वतंत्र कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्र कहाँ है, वो शिवता में स्वतंत्र है। और कश्मीर शैविज्म के
उन्हीं की पंक्तियों में देखें तो वो कहते हैं कि ये जो स्वातंत्र विहीन जो ज्ञान है वो अज्ञानमेव तत्। स्वातंत्र विहीनम ज्ञानम अज्ञानमेव तत्। ऐसा ज्ञान जो स्वातंत्र विहीन है वो अज्ञान ही हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि नोपारक्यम प्रतिघटयते कांचन स्वात्मवृत्तिम। उस स्वात्मवृत्ति को वो बनाने के लोग बख्श नहीं। फिर कहते हैं कि यस्तु त्यक्ता अखिल भव अलहा। लेकिन जिसने तीनों मलों को त्यक्त कर दिया है, यस्तु त्यक्ता अखिल भव अलहा। भव मल कौन से हैं? तीन मल हैं, उसमें से आणव मल है, मायी मल है, कर्म मल है। ये माया शब्द का प्रयोग काश्मीर शैविज्म जो है उस अर्थ में नहीं करता है जिस अर्थ में हमारे दूसरे दर्शन करते हैं। ये माया शब्द की अपेक्षा मोह शब्द का प्रयोग कर लेता है और माया को तो ये शक्ति रूप ही मानता है कि शिव की शक्ति ही माया है। इसलिए माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संघारिणे तस्मय श्री गुरु मूर्ते नमेदम श्री दक्षिणा मूर्ते। इसलिए वो जो उस बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो मल है तीन, त्यक्ता अखिल भव मल, जिसने अखिल भव मल जो है तीनों मलों को जिसने छोड़ दिया है। और चौथी बात कहते हैं प्राप्त संपूर्ण भाव, जिसने संपूर्णता के भाव को प्राप्त कर लिया है। ये संपूर्णता क्या है? एक पूर्ण तृप्ति। ये शिवत्व का ये ऐसा नहीं है कि ये उसमें कोई देवताओं के साथ जाओ स्वर्ग में ऐसे न, शिव ही है जो अपने स्वतंत्र भाव में आना क्यों नहीं चाह रहे हैं इन जीवों के रूप में। प्राप्त संपूर्ण भाव, क्योंकि संपूर्ण भाव जिन्होंने प्राप्त किया है। संपूर्ण भाव का मतलब क्या है? कि आकांक्षा राहित्यम में संपूर्णता। जब आपकी कोई इच्छा नहीं रहती, परिपूर्णो हम, मैं परिपूर्ण हूं, इस प्रकार की जब अनुभूति आ जाती है, यस्तु त्यक्ता अखिल भव वाला प्राप्त संपूर्ण भाव। कृत्यम तस्य स्फुटमिदमियम लोक कर्तव्य मात्रम। फिर लोक कर्तव्य मात्रम शब्द आखिर में आचार्य को जोड़ते हैं। तो वो लोक कर्तव्य मात्रम, वो अपना जो कृत्य है वो स्वयं कर्तव्यम के कले अनलोक एष प्रयत्नात् नोपारक्यम प्रतिघटयते कांचन स्वात्मवृत्तिम। यस्तु त्यक्ता अखिल भव मलः प्राप्त संपूर्ण भावः कृत्यम तस्य नहि स्फुटमिदियत लोक कर्तव्य मात्रम। लेकिन वो जो जिसने शैव स्वातंत्र को प्राप्त कर लिया है वो इसे लोक कर्तव्य मात्र समझते, वो समझता है कि लोक के लिए मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, लोक कर्तव्य मात्रम, लोक के लिए चल रहा है जीवन उसमें। ये क्योंकि ये एक स्वातंत्र है, नदी जो है वो आपके लिए नहीं बह रही है, वो बह रही है अपने स्वातंत्र के साथ बह रही है। वो जो वृक्ष हैं दूसरे हैं वो उस तरह से नहीं चल रहे हैं, वो सब चल रहा है प्रकृति का जो अपना स्वारस्य है वो एक प्रकार से स्वयं गतिशील है। तो ऐसे जीवन पद्धति का लोक के लिए और लोक शब्द को बार बार उसमें लाने के लिए और उसके प्रति चिंता व्यक्त करना, ये लोक चेतना है। साधु संतों में ये लोक चेतना आती है, ये लेकिन लोक चेतना बहुत कम होते हैं। अपनी मुक्ति के लिए ही लोग प्रयत्न करते हैं, जितना लोग निबंध लिखना सीखते हैं, हृदय ज्ञान अन्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञान किसको होगा? मुझे होगा, मेरे ज्ञान में मुझे, हे नारायण मुझे बताओ। वो कश्मीर शैविज्म जो है वो कहता है नहीं, ये जब तक आप स्वातंत्र को प्राप्त नहीं करते, स्वातंत्र का मतलब
दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जिसको समझने की जरूरत है, वो है उसमें स्वसंवित्ति, स्वसंवेदन जो है, इत्थम स्वसंवित् गणेशे, संवित् स्वसंवित् जो है, स्वसंवित् में जीता है, लेकिन वो उसमें ये जो प्रोसेस ऑफ जो हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी होती है, उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं है स्व के अंदर, स्व के अंदर स्वातंत्र निहित है। इसलिए स्व स्व शब्द का प्रयोग कश्मीर शब्द में बहुत जगह स्वसंवित् घने के है, वो स्वसंवित् जो है उसमें से अपने आप स्वतः आलोक जो झड़ता है, उस आलोक में वो लोग लोग के लिए प्रकाश आता है, लोग उसमें जीते हैं। इसलिए अभिनव आचार्य अभिनव गुप्त का आज के दिन ये विचार करने की बात है, वो उन सभी दार्शनिकों से एक अलग किस्म के दार्शनिक बनकर के उभरते हैं, जो दार्शनिक केवल सिर्फ ये एक दर्शन को सिर्फ एक सीमित रूप में परिभाषित करते हैं, वो नाटक की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, नाट्य शास्त्र के प्रति नहीं जा सकते हैं, वो रस की व्याख्या भी करते हैं तो रस की व्याख्या उस संदर्भ में करते हैं जिसमें वो आचार्य अभिनव कहते हैं कि नहीं, ये केवल उसमें योग से ही संभव नहीं है कि योगी को ही आत्ममुक्ति प्राप्त होती है, सहृदय जो है सामाजिक है, सामाजिक को भी मुक्ति प्राप्त होती है, सामाजिक के लिए वो एक समान उसकी कक्ष, जो रचनाकार है, जो उसमें नाटककार है, जो कुछ उसमें हो रहा है वो उसमें, और कलाकार में और कलाकार के साथ जो सहृदय उसके, दोनों को समकक्ष बिठा देते हैं। अपूर्वम यद वस्तु, उसमें जो ध्वनिया लोग की लोचन वृत्ति है, लोचन वृत्ति के अंदर इस बात को सूट करते हैं कि ये देखो उसमें अपूर्वम यद वस्तु प्रथेज बिना कारण कलाम, एक अपूर्व अपूर्वम यद वस्तु, एक अपूर्व का अनुभव कराना चाहते हैं, अपूर्व का अनुभव जो हमारे कवि हैं संस्कृत के कवि, वो संस्कृत के पीछे इसलिए नहीं पड़े हुए हैं कि संस्कृत को ये पुरानी भाषा है कि नई भाषा है कि क्या है क्या नहीं, वो एक स्वातंत्र की ओर ले जाती है और वो अपूर्व का कथन करती है। अपूर्व का कॉन्सेप्ट आया उसमें मीमांसकों में भी आया, लेकिन ये उसे नाटक के संदर्भ में अपूर्व शब्द वहां से ला करके ये सहृदय के पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अपूर्वम यद वस्तु प्रत्यादि बिना कारण कलाम, वो क्या है शैवी जो प्रतिभा है, प्रतिभा क्या है, प्रतिभा है शिव का जो प्रतिभा, शिव का जो स्फुरता है, इसको अभिनव गुप्त कहते हैं सात स्फुरता, महासत्ता देश काला विशेषणी शिक्षा सारते आप लोकता शरीरम परमेष्ठिनी, वो स्फुरता, वो जो स्फुरणशीलता है, सूर्य करता नहीं है कुछ भी, स्वतः ही प्रकाश उसके अंदर से निकल करके पहुंच रहा है पृथ्वी के पास, सारे जीवन के पास पहुंच रहा है उसका प्रकाश। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे ही जो कला है, जो नाटक है, ये नाटक के अंदर प्रयोग होने वाली सारी कलाओं का समूह है। नाट्य कला को वो क्या मानता है कि नाट्य कला जो है उसके अंदर संपूर्ण सामाजिकता का समावेश है, वो सारी संपूर्ण सामाजिकता कुछ देर की वहां सचमुच में स्वतंत्र का अनुभव करती है। तो उस सामाजिक को जिसे उन्होंने कहा कि ये जग्राह नाट्यम ऋग्वेद सामभ्यो गीति में, ये नाट्य वेद से ऋग्वेद से नाट्य लिया, उसमें से साम से गीतियां लिया और उसमें अरथम अथर्वनाद भी रस को अथर्व वेद से लिया, और ऐसे करके उन्होंने नाट्य वेद को पंचम सार्ववार्णिकम
वो जो सार वार्णिक जो नाट्य वेद बनाया उस नाट्य वेद के अंदर वो कहता बैठने वाले जो लोग हैं वो सब सहृदय लोग हैं, इसलिए दो भेद करते हैं वो जी प्रतिभा के निरूपण में। अपूर्वम यद वस्तु प्रत्यज बिना कारण कलाम जगत ग्राव प्रख्यम, अरे अगर सहृदयता नहीं होगी तो ये जगत जो है ये ग्राव प्रख्यम, यहाँ लोग पथरा जाएंगे, ये दवाइयां खा खा करके बिल्कुल बीमार अस्वस्थ, हिंसा हत्या के अंदर ये कठोरता बढ़ती चली जाएगी, जीवन के अंदर कठोरता जो है अगर इसका संस्कार नहीं होगा, उदात्त के प्रति ये जीवन अगर नहीं तैयार होगा तो फिर अनुदात्त स्थिति के अंदर ये बहुत नीचे चला जाएगा। इसे आप विकास कहते हैं, वो एक परिवर्तनात्मक ह्रास हो जाएगा वो सारे का सारा। इसलिए कहते हैं कि वो क्रमात् प्रत्योपाख्या प्रसर सुभगम सार है दिया, ये प्रतिभा शिव की प्रतिभा ही शक्ति है जो इस सारे को चला रही है और वो उसके अंदर प्रख्योपाख्या जो रचनाकार है वो प्रख्या धर्मी है और जो श्रवण कर रहा है वो उपाख्या धर्मी है, दोनों जो आपस में बैठते हैं तो दोनों बैठ करके इस पृथ्वी को एक देवस्य पश्यताभ्यम नमो आर्णति, ये सारी सृष्टि को एक काव्य के रूप में देखने लगते हैं। तो ये उसमें प्रसर सर्वगम सार है दिया, तो उसके समप करते हुए भी श्लोक को ये कहते हैं सरस्वत्यास्तत्वम किमपि कवि सहृदाख्यम विजयते, इसमें जितना कवि का महत्व है उतना ही सहृदय का महत्व है। सहृदय कौन है? लोक है सहृदय, सामाजिक जो है वो सहृदय है, इसलिए सामाजिक के प्रति नाटक में जो चिंता प्रकट की गई है उसके अंदर वो अपने अध्यात्म के अंदर आम आदमी को शामिल करना चाहते हैं, लोक को वो शामिल करना चाहते हैं उस जीवन को जीने। लेकिन मैं उसको जब विचार करता हूं तो कभी कभी वो कहते हैं कि ये जो वाग धेनु दुग्धेनम, वाग धेनु दुग्धेनम रसम यद बाल तृष्णया, अरे कहते हैं कि योगी तो योग के माध्यम से षडंग योग के माध्यम से शिवत्व तक पहुंचता होगा, लेकिन मैं कुछ अजीब देख रहा हूं, वाक धेनु, ये जो वाक रूपी धेनु है ये संस्कृत ने लैंग्वेज के प्रति अपनी जो सेंसिटिविटी है उसको अगर दुनिया की भाषाओं में किसने उस सेंसिटिविटी को उत्पन्न किया है और उसको भोगा है देखा है तो वो संस्कृत है। इतनी संवेदनशील भाषा, इतनी संवेदनशील भाषा संबित स्वरूपा है, एक एक शब्द जो है वो उसमें कहता मुक्त करने के लिए पर्याप्त है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, केवल तत्वों सीधी बात किए नहीं मुक्ति। तुम एक बार कह के तो देखो उस पूरी स्पिरिट के साथ एक पूरी चेतना के साथ, तो लोग जो है संस्कृत के अभिनव कहते हैं कि ये जो वाक धेनु है, वाक धेनु दुग्ध एवं रसम यद बागल तृष्ण है, ये वाक रूपी जो धेनु है ये जो रस प्रवाहित करती है, ये दुग्ध रूपी रस को जो प्रवाहित करती है लोगों के लिए, न तेना से समक कार्य योगी भी दुग्धते ही है, उस रस को योगियों ने, योगी जिसका दोहन करते हैं उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये एक स्वतंत्र मार्ग है कि वाक धेनु के माध्यम से वो बहुत बहुत, बहुत हमारे, अब कालिदास योगी थे कि नहीं थे, लेकिन सच कहता हूं आपको कि कालिदास ने जिस योग का, जिस समाधि का, शिव समाधि का निरूपण किया है वो योगी भी करने में शायद उनको अनुवर्तन करने लगेंगे। वहां पर वो वाक धेनु के द्वारा जो वर्णन किया गया मनोनवद्वार निषिद्ध वृत्ति विधि व्यवस्था पे समाधि वश्यम, वो मनोनवद्वार निषिद्ध वृत्ति, कामदेव ने शिव को देखा समाधि में
ने कहा कि मन और नौ इंद्रिय द्वार सभी ब्लॉक काम के एंटर करने के लिए कोई जगह ही नहीं। मनोनबद द्वार निशिंदी वृत्ति सिद्धि व्यवस्था समाधि वश्यम, वो हृदय में समाधि में आने वाला जो आत्मान आत्मन अवलोक अंतम, वो अपने आत्म में अपने को ही देखते हुए। ये कालिदास समाधि का जो वर्णन कर रहा है आत्मान आत्मन अवलोक अंतम, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा, भारतीय अध्यात्म की ये पराकाष्ठा है। लेकिन इस पराकाष्ठा को कौन कहने वाला है? कालिदास जो श्रृंगार का कवि है, श्रृंगार का कवि इस जगत के माध्यम से, इस जगत के माध्यम से जगत की चिंता करता है, जगत को उसके पोटेंशियल के प्रति जागरूक करने का प्रयास संस्कृत करती है, संस्कारयुक्त वाणी करती है कि नहीं, ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द चारों तरफ तुम्हारा जो जो कुछ भी ये पड़ा हुआ है, ये सारा ऐस तुच्छ नहीं है, ये घृणित नहीं है, ये जगुप्सा पूर्ण नहीं है, इसके अंदर उदात्त शिवता है और वो स्वातंत्र के रूप में स्फुरित हो रही है। तुम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो, तुम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, क्योंकि जन माया मलिनम, माया में मलिन होकर के तुम शुद्ध आत्मा में शुद्ध विद्या में प्रवेश तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो शुद्ध विद्या में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लोक के प्रति जो कश्मीर शैविज्म का बड़ा योगदान रहा वो उसमें रहा कि ये एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया उस समय, जो आज के संदर्भ में मुझे कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। आणवो उपाय की समीक्षा करते हुए कश्मीर शैविज्म कहता है स्वातंत्र हानिर्बोधस्य, जो ज्ञान है उसका स्वातंत्र नष्ट हो जाता है। पशुता का समावेश कैसे होता है? सकल प्रमाता को शिष्ट भाषा में सकल प्रमाता कह देते हैं और जरा कठोर भाषा में पशु प्रमाता भी कह देते हैं। तो वो प्रमाता जो है उसको वो कहते हैं क्या करता है कि वो प्रमाता स्वातंत्र हानिर्बोधस्य, उसको अपने ज्ञान का स्वातंत्र का पता नहीं रहता है। वो एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान कोश से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, इसको वो रिसर्च मानता है, ये शोध कर रहा हूं मैं, मेरे शोध में से यहां से ये इसका सूत्र वहां मिल जाए, वहां मिल जाए, वहां मिल जाए, ये थॉट आफ्टर थॉट, और फिर वो थॉट्स की एक चेन बनती चली जाती है। तो वो कहते हैं कि स्वातंत्र हानिर्बोधस्य, जो सहृदय है वो सहृदय, जब सहृदय नहीं होता है तो उसके बोध का स्वातंत्र लुप्त हो जाता है, वो शिव से अशिवता में प्रवेश कर जाता है। बोधस्य आप्य स्वतंत्रता, दूसरा उसको घुमा करके फिर कहते हैं, और जो बोध है वो अस्वतंत्र हो जाता है। स्वातंत्र हानिर्बोधस्य बोधसभ्या स्वतंत्रता द्विधा द्विधाणव मल प्रोक्तम, ये दो प्रकार से आणव मल कहा गया है। आणव मल का अर्थ क्या है कि मनुष्य को संकुचित बना रहा है, ये स्वातंत्र की प्राप्ति को ना करना, मनुष्य को स्वसंबित के पास ना जाने से मनुष्य संकुचित प्रमाता बन जाता है। संकुचित प्रमाता तो आपस में लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, ध्वस्त करेंगे पृथ्वी के जीवन को, कुछ भी उनके, क्योंकि उसके लिए कोई महत्व नहीं है इस चीज का। जो स्व के प्रति जागरूक है केवल वही इस पृथ्वी को, वो जो हिंदी का कवि कहता है कि संदेश हमें नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम साकेत के अंदर राम कहते हैं कि मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने, इस भूतल को ही अगर स्वर्ग बनाना है तो आचार्य अभिनव भूत की दृष्टि ये कहती है कि तुम उस अपने वो स्वातंत्र जो अन्य किसी दर्शन में नहीं दिया गया, स्वयं प्रकाश शब्द है,
लेकिन स्वतंत्र शब्द नहीं है, ये शैवों का अपना स्पेसिफिक प्रयोग है स्वतंत्र, इसलिए वो तुम स्वतंत्र जो है स्वतंत्र की हानि मत होने दो, उस स्वतंत्र को जब तुम प्राप्त कर लोगे तो ये भूतल ही स्वर्ग बन सकता है, और नहीं तो ये भूतल अगर स्वतंत्र हानि है तो तुम ऊपर से स्लोगन्स मोटोस मैनिफेस्टोस जितने मर्जी बनाते जाओ वो नरक ही बनाते चले जाओगे, इस दुनिया को नरक बनाते चले जाओगे। इसलिए जगत के प्रति जो हमारे अध्यात्मविद लोग थे, ये उसमें अध्यात्मविद कवि शास्त्र नाट्यकार दूसरे सब लोग सभी लोग जो थे उन्होंने चाहे वो श्रृंगारी कवि रहे हों चाहे दूसरे रहे हों उन्होंने परमार्थ से अपना संबंध कभी भी क्षीण नहीं होने दिया, इसलिए उनके काव्य में भी परमार्थ जो है वो स्फुरित होने लगता है, और ये स्फुरता जो है इसको अभिनव कहते हैं, ये स्फुरता ही प्रतिभा है, और इस शैवी प्रतिभा का जहाँ भी स्फुरण होता है वहाँ आचार्य अभिनव गुप्त पैदा होते हैं, और वो आचार्य अभिनव गुप्त जीवन के सिर्फ एक पक्षीय चिंतन में नहीं जाते हैं, वो संपूर्णता के जीवन को जीने का प्रयास करती हैं, उनके काव्यों में वाणी में संपूर्णता आ जाती है। इतना कहकर कि मैं समझता हूँ कि आज आचार्य अभिनव गुप्त की इस जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन पहले ही सभी आप लोगों को श्रोताओं को और विशेष रूप से कश्मीरी बंधुओं को बहुत बहुत ये बधाई देता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर रमाकांत आंगिरसी, आपने जितने व्यापक दृष्टि से और सूक्ष्मता से और संवेदनशीलता तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज के विषय पर जो चर्चा की है और हमारा जो दृष्टि विस्तार किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब समय है खुली चर्चा का, ओपन हाउस डिस्कशन का, यदि किसी के कोई प्रश्न हैं तो निश्चित रूप से आप सादर आमंत्रित हैं। और सबसे पहले श्री आर एल भट्ट जी, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा अभिनव गुप्त के बारे में आपकी बात सुन के। आप वक्त के मतलब समय का जो लिमिटेशन है उसके कारण मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें रह गई हैं, साफ नहीं हो पाई। मैं ये चाहूंगा कि जो स्वातंत्र्य का विचार है अभिनव गुप्त का, उस पर थोड़ा सा बोल दें जी। वाकई बहुत एक रुचिकर विषय है, स्वातंत्र्य के ऊपर एक टिप्पणी अपेक्षित है आपकी। स्वातंत्र का अभिप्राय यहाँ पर मूलतः ये रहा है कि जो एक उसमें ऐसी क्रियाशीलता है, वो ऐसी क्रियाशीलता है, आमतौर पर क्रियाशीलता जब भी होती है तो आमतौर पर वो कर्ता और उसके अधीन होती है। क्रिया में जो क्रिया होती है, क्योंकि क्रिया शक्ति ही स्वतंत्र शक्ति है, क्रिया में जो होता है हमारे वो एक विशेष प्रकार का संकल्प होता है, एक विशेष प्रकार मोटिवेशन होती है उसमें, उसमें स्वातंत्र की बजाय कोई ना कोई प्रयोजन उधर से उधर से रहता है, वो स्वाभाविक नहीं होता है। और वो जो क्रिया शक्ति है उसके अंदर कर्ता और क्रिया और क्रियमान ये सारी बातें उसमें रहती हैं, लेकिन ये जो शैवी कर्तृत्व शक्ति है, ये जो क्रिया शक्ति है, ये क्रिया शक्ति उन पांच शक्तियों में से स्वयं प्रेरित होना, स्वयं प्रेरित होना माने उसका एक ये स्वभाव है, स्वभाव है जो स्फुरण करना जो है, ये शिव का स्वभाव है। आप
और कुछ बात कर ही नहीं, आप आलोक के पास के अतिरिक्त आपके पास कुछ है ही नहीं। आप उसके लिए आप चाहे इधर को संकल्प करें, इधर को बैठे, पूर्व को सूर्य निकले, पश्चिम को निकले, दक्षिण में जाए, उत्तर में जाए, जिधर भी जाएगा उस तरफ उसका स्वातंत्र है, वो प्रकाशित ही करेगा और कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उसने ये जो कहा है ना, नर शक्ति शिवात्मकम त्रिकम, ये जो त्रिक है, ये नर शक्ति शिवात्मक हृदय या विनिधाय भाषे, वो उसका अंदर हृदय के अंदर जो विद्यमान है ऑलरेडी, अंदर भी वो प्रकाश रूपी है और बाहर भी वो प्रकाश रूप नहीं प्रकट होता। लेकिन जो प्रकाशमानता है, जिसको मैं बार बार स्फुरता शब्द का प्रयोग भी कर रहा हूँ, स्फुरणशीलता जो है, ये उसमें उनकी जो प्रातिव शक्ति है, यही उनका स्वातंत्र है, जिनका ये स्वातंत्र है। उसके पीछे कोई प्रयोजन बता ऐसी डिजायरसनेस अपूर्णता नहीं है, वो संपूर्णता में उसका उदय होता है। संपूर्ण व्यक्ति का क्या संकल्प हो सकता है जो तृप्त है, जो अतृप्त है उसमें डिजायर होती है, जो अतृप्त है, जो अपूर्ण है उसके अंदर होती है, मोटिवेशन होती है। लेकिन जो प्राप्त संपूर्ण भाव, जिसने संपूर्ण भाव को प्राप्त किया है, वो स्वतंत्र है, वो आकांक्षा राहित होने के कारण उसको कुछ पाना नहीं है। उसे तृप्ति का जो भाव है, वो पूर्ण तृप्ति, जिसको वो कंचुकों के कारण तृप्ति जो है वो थोड़ी वो अतृप्ति में बदल जाती है, छोटी तृप्ति में बदल जाती है, संकुचित हो जाती है, तो वो स्वातंत्र की एक प्रकार से वो लुप्त हो जाता है वहां, जैसे स्वातंत्र संकुचित हो जाए। तो उसका जो हृदय जा विनिधाय भासे प्रणमामि पराम अनुत्तराम, वो मैं उस सुसंबित को प्रणाम करता हूँ कि जो संपूर्ण ब्रह्म विश्व को, जो विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है, भीतर की ओर भी वो आलोकमय है और बाहर की ओर भी आलोकमय है, चाहे उद्यमो भैरवता परिस्पंदा पूर्णाहम भावनात्मका, अगर उसमें भैरव का अंतस्पंद परिपूर्णता अंदर की ओर चला जाता है, वो भी वो प्रकाशमय है और बाहर की तरफ भी प्रकाशमय है, इतनी उसमें रिलेटिविटी या इस किस्म का तत्व नहीं रहता। एक बात मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये जो शंकर के वेदांत में हमें अविद्या और माया का जो परमात्मा को जीवात्मा में लाने का जो कारण बताया जाता है, इसका उसके साथ कोई जोड़ है क्या, ये स्वतंत्रीय का? उसमें वेदांत में स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी दर्शन में नहीं किया। वो नहीं है मेरा मतलब, वहां तो नहीं हुआ है, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जो कश्मीर शैविज्म में स्वतंत्र ये है, उसको शंकर के अविद्या वाले कॉन्सेप्ट का विरोध के तौर पर देखा जाता है क्या? या विरोध का इसीलिए देखा जाता है कि उसने, एक तो ये है कि आचार्य शंकर अपने भाष्यों में जो क्रिया है, कर्म सिद्धांत है, उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। वो कर्म को बिल्कुल कहते हैं कि उसमें मोक्षावस्था के अंदर, मुक्ति की अवस्था में स्वयं प्रकाशता जो है वो तो है, लेकिन उसमें स्वातंत्र, उसमें वो स्वरत्ता है, क्योंकि पूर्ण काय के लिए करना है, वो तो एक मौन है, मौन व्याख्या प्रकटन परम ब्रह्म तत्व युवानम, मौन व्याख्या, एक मौन है, वो मौन ही स्वरण कर रहा है, कुछ कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो वो मौन है पूरा। आचार्य शंकर में माया या अविद्या जो है वो एक निषेधात्मिका शक्ति के रूप में वर्णित है, जहाँ निषेधात्मिका शक्ति के रूप में नहीं है, वो शिव की एक, वो माया अविद्या नहीं है, बल्कि वो उसका शिव की शक्ति रूपा है। अगर हम माया या अविद्या को शक्ति में कन्वर्ट कर दें, तो वो
पॉजिटिव हो जाती है, वो नेगेटिव नहीं रहती है। इच्छा शक्ति जो कॉन्सेप्ट है, इच्छा शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है कश्मीर शैविज्म में, हाँ वहां पर ये जो उन्होंने कहा ना कि सर्वम शिव इति ज्ञानम ज्ञानम सर्वम माया इति अज्ञानम अज्ञानम, ये सब माया है, ऐसा अज्ञान ऐसा जो ज्ञान है कि ये सब माया है, ये अज्ञान है। सर्वम शिव इति ज्ञानम ज्ञानम, सब शिवमय है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञान है। जी शिवांश चतुर्वेदी और उसके बाद डॉक्टर रमेश वर्मा जी। जी शिवांश जी नमस्ते सर, हर महादेव जी। सर मेरे को पूछना था कि कश्मीर शैविज्म में सर इनिशिएशन का क्या कंसेप्ट है, अगर किसी को दीक्षा लेनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? शैवी दीक्षा में तीन प्रकार की दीक्षाएं हैं, तो वो कश्मीर में जो विधिवत अभिषिक्त हैं, जो कश्मीरी विद्वान कुछ लोग हैं जो अभी भी वो प्रकट नहीं करते अपने आप को, लेकिन हैं उसमें दीक्षित लोग हैं, तो क्योंकि दीक्षित से ही दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जो स्वयं जलता हुआ दीपक है वही दूसरे दीपक को जला पाएगा, इसलिए दीक्षित व्यक्ति ही उसी से ये प्रश्न पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि इस विषय में सुनील रैना राजानक जी जो हैं वो आपको उचित जो है वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनके पास बहुत सारी सूचनाएं और जानकारियां रहती हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, निश्चित रूप से वो आपको इस आपकी सहायता कर पाएंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं रमाकांत शास्त्री जी को बड़ा हार्दिक नमस्कार करता हूँ, और बहुत अच्छी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा ही पढ़ पाया हूँ मैं कश्मीरी शैविज्म के लिए। जो आपने एक स्टेटमेंट बीच में दी है उसी के साथ तीन छोटे छोटे कनेक्टेड प्रश्न है मेरे। एक लाइन मैंने बीच में कहीं पढ़ी है, अभी भी शायद विजिबल है वो, लोक चेतना जीवन की सहज चेतना है। इस पर एक छोटा सा प्रश्न तो यह है कि जो सहज हम कह रहे हैं, क्या उसको हम जैसे नॉर्मली सरल ये ले लेते हैं वैसे है, या सहज यानी हमारे जन्म के साथ उत्पन्न है? एक तो ये प्रश्न। दूसरा ये है कि आपने स्वतंत्र में संपूर्ण भाव की बात की है, तो क्या लोक चेतना और संपूर्ण भाव एक ही चीज है? और तीसरा इसी के साथ कनेक्टेड है कि गोपीनाथ कविराज जी की जो उनकी जो लोक यात्रा पर मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने महाभाव की बात की है, तो क्या ये महाभाव जो गोपीनाथ कविराज जी जिक्र कर रहे हैं, जिसका मैं कुछ थोड़ा सा कनेक्शन कभी कभी जो योगीराज अरविंद जी हैं उनके साथ भी कुछ महसूस करता रहा हूं, क्या ये महाभाव संपूर्ण भाव और लोक चेतना एक ही चीज है? क्या ये सहज को हम ये माने कि हमें जन्म से उपलब्ध है, या ये इजी है टू अचीव इट? नहीं, उसमें मैं समझता हूँ कि जो महाभाव या ये एक वैष्णवों का ज्यादा कॉन्सेप्ट है ये, और वो महाभाव में आ जाना, जैसे ये हम कहें कि चैतन्य महाप्रभु उस महाभाव में आ जाते थे, राधा भाव में आ गए, उसमें आ गए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो फिर वहाँ स्थिति आ जाती है कि आप लोग उसमें जो है वो लोग के प्रति आपका दृष्टिकोण वो अलग हो जाता है दसवीं के विषय से, वो महाभाव वाली स्थिति जो है उसके अंदर रह कर के आप उसमें भी संपूर्णता का भाव तो होता ही है, संपूर्णता का भाव तो कविराज जी स्वीकार करते ही थे, लेकिन वहां पर प्राप्त संपूर्ण भाव है यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ये है कि अब बहुत सारी जो दर्शन और साधनाएं हैं वो कलाओं के उस पक्ष को रिजेक्ट कर देती हैं, वो थोड़ा लोकोन्मुख होती हैं, लोक में ये जो भाव हैं उन भावों
जाती है, थोड़ा संकुचित हो जाते हैं और महाभाव की बात फिर करने लगते हैं कि ये सर्वम, ये सारे का सारा जो भी है, जैसे वो उसमें वो लेते हैं कि जिधर भी मैं देखता हूँ उसमें तो वो कृष्ण ही कृष्ण है सर। तो वो कृष्ण साधना जो बंगाल की है महाभाव है वहां से आई है, और वो जो चैतन्य महाप्रभु की ओर से जो टर्म आई थी उस टर्म का अभिप्राय वो बहुत ज्यादा एक संवेदनशीलता है, लेकिन वो फिर नाटक काव्य के बारे में बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते। वो दूसरा तो एक ही चीज हुई फिर वो, क्योंकि चाहे आप किसी भी मार्ग से जाएं अल्टीमेट एंड तो एक ही होना चाहिए ना। वो तो वो है उसमें एक ही है उसके अंदर, उसमें क्योंकि गोपीनाथ कविराज जी शैव भी थे और वैष्णव भी थे, वेदांती भी थे, दृष्टि उनमें। हाँ जी, एक छोटा सा मेरा कनेक्टेड, क्योंकि मैं टीचर हूँ उस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी ये सुंदर शब्द यहाँ देखने में आ रहे हैं कि किसी भी जड़ चेतन जगत के प्रति ज्ञान संज्ञा बोध समझ प्रज्ञा संवेदनशीलता सजगता सजीवता। तो क्या हम इसको स्टेजेस ऑफ लर्निंग की तरह देखें, जो हमें साधारण इंफॉर्मेशन से आंतरिक अनुभव की तरफ ले जाता है। एक तो ये कुछ शब्द इसमें से कहीं कहीं नॉर्मली हमें कठिन पड़ते हैं, जैसे संज्ञा शब्द यहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर मेरा ये जानने की जिज्ञासा है, क्योंकि बहुत अद्भुत क्रम में ये चीज बन रही है। तो क्या हम कहें कि जो हम पढ़ते हैं या कोई कहीं से भी कुछ हमारे पास सूचना आती है वो हमें अंत में गहरे अनुभव में ले जाती है? नहीं, ले जाएगी तब जैसे अगर आप जागरूक हैं, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, संज्ञा शब्द को अगर आप पकड़ेंगे और संज्ञा शब्द की उस तात्पर्य को समझेंगे, तो संज्ञा का माने कि आपने पहले नाम से परिचय होता है। जिसने कहा कि कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, नाम से आपका परिचय करा दिया है। अब नाम से आप नामी की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर वो नाम जो है तो संज्ञा मात्र तक ही सीमित रह जाएगा। धन्यवाद जी। डॉक्टर पवन सेठी जी, नमस्कार सर। नमस्कार अंगिरस जी। नमस्कार। बहुत ही सुंदर आज का ये सेशन रहा। दो तीन प्रश्न मन में उठ रहे थे। आपने स्वतंत्र और स्वतंत्र का प्रयोग किया है एक शब्द जो है, और उसके साथ एक शब्द स्वर्ग का प्रयोग किया है। तो फिर जो है स्वर्ग जो है उसकी एक जनरली एक प्रकार से यह माना जाता है कि वहाँ सब कुछ सुख है, वहाँ आनंद ही आनंद है, और स्वतंत्र है कि जिसका तंत्र स्व है, जिसका कि मतलब कि जिसके जो नियंता है अपने आप पर ऊपर। लेकिन स्वर्ग में तो कुछ नियम हैं, तो वहाँ स्वतंत्रता कैसे? और दूसरा यह है कि स्थित प्रज्ञता है तो फिर जो कि सुख या दुख उसका तो कोई भाव ही नहीं है, वो तो हर भाव में ही आनंद है। नहीं, मैंने स्वर्ग की चर्चा तो नहीं की। आपने जहां पर साकेत का जिक्र किया था कि मैं धरती पर स्वर्ग बन, वो वैष्णव चेतना का वो मैथिली शरण गुप्त तो वैष्णव मूल थे, वैष्णवाइट थे, इसलिए वो मैंने इसलिए कहा कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया है। इतनी पंक्ति जो है जी, कि इस भूमि को स्वर्ग बनाने का, यहाँ पर वो स्वर्ग जो है वो वर्ड ऑफ दैट रिलेटिव इंद्र वाला स्वर्ग नहीं है, वो स्वर्गलोक जो है उसकी जब कल्पना हम करते हैं तो वो मनुष्यों को एक महनीयता, मनुष्य की अपनी महिमा, जिसे वो कहते हैं ना, सुनो रे मानुष भाई, सावार ऊपर मानुष सत्य तहार ऊपर नाही। अगला में कहते हैं कि अरे मनुष्य सुनो भाई, मुझे सब सत्यों के ऊपर मनुष्य ही सत्य दिखाई दिया, उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दिया, मनुष्य ही सबसे बड़ा सत्य है।
और ये महाभारत के अंदर भी उन्होंने वेद व्यास ने कहा, नहीं मानुषात श्रेष्ठ धर्म ही किंचित, मनुष्य से बढ़कर के मुझे और कुछ गुज्यात गुज्य धर्म बोबर भी, मैं तुम्हें सीक्रेट ऑफ दी सीक्रेट बता रहा हूं कि मनुष्य से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। मनुष्य शरीर में संपूर्णता का भाव आ सकता है, शरीरों में संपूर्णता का भाव आने की उतरने की स्वतंत्रता की संभावना बहुत कम है, नहीं, लेकिन मनुष्य जो है वो तो सावार ऊपर मानुष सत्य तार ऊपर सबके ऊपर मनुष्य है उसके ऊपर। दूसरा प्रश्न इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि मेरे सामने ये जो प्लेट खुली हुई है यहाँ पर संज्ञा के बाद आपने चार शब्द प्रयोग किए हैं, एक बोध, एक समझ, एक प्रज्ञा और एक बुद्धिमत्ता। बोध और समझ क्या एक ही चीज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो स्तर है उनके, वो बोध के स्तर है। किस तरीके से थोड़ा इसको ऊपर ये कहते हैं कि बुद्धि जो है उसमें जो स्मृति है जी, वो स्मृति जो है वो अतीत परख है। वैष्णव लोग स्मरण को ही हरि स्मरण, यदि हरि स्मरण सरसम मना, ये स्मरण को वो प्रधानता देते हैं। वो अतीत विषय स्मृति जो है वो अतीत को विषय बनाती है। मति रागामी गोचरा, मति जो है वो फ्यूचर को आगामी को एंटिसिपेट करने की शक्ति जो है मन की, तो मति है। और बुद्धि तात्कालिकी गया, बुद्धि जो है वो तत्काल उसी को जो स्मरण होता है वो तात्कालिकी है, वो प्रेजेंट को अपना विषय बनाती है। और प्रज्ञा जो है वो तीनों कालों को एक साथ पकड़ती है। और प्रज्ञा जो है वो संपूर्णता को, इसलिए बुद्ध को प्रज्ञा पुरुष कह देते हैं लोग, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने प्रतिभा की भी स्थिति मानी है। प्रतिभा नव नवो उनमें शालिनी प्रतिभा होता, ऐसे करके इस तरह है उसके जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ दो अत्यंत आदरणीय विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वीना अग्रवाल जी, जो कश्मीर शैविज्म के ऊपर एक अथॉरिटी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। मैं चाहूंगा कि उनकी एक टिप्पणी हमारे साथ जरूर इस विषय पे होनी चाहिए, और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। दो मिनट के लिए उठ रहा हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक जो है हम चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य जो है वो आजकल ऐसे ही चल रहा है। मैंने बड़ा प्रयास करके उनको आज के लिए तैयार किया था, मैंने कहा नहीं आप कुछ बोले, लेकिन पर्याप्त आज हमें ज्ञान मिला है, तो मुझे लगता है कि अगर एक दो मिनट हम वेट कर लें और फिर उसके बाद मैडम की जो टिप्पणी है सारे विषय पे, उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की, और फिर धन्यवाद ज्ञापन या किसी और का कोई वक्तव्य होगा, सुनील जी का या किसी का भी, वो अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि इस सारे विषय में प्रश्न तो और भी सामने आते हैं। अभी जब स्वातंत्र्य के ऊपर बात हो रही थी तो मेरे मन में आ रहा था कि स्वातंत्र्य के भी शायद दो स्तर हो सकते हैं। एक है सायास स्वातंत्र्य, कि ये जो हमें भौतिक पदार्थों से स्वतंत्रता मिलती है, और दूसरे है अनायास स्वातंत्र्य। तो पता नहीं ये बौद्धिकता की बातें हैं, लेकिन वस्तुतः इसका बोध हो जाना वो तो अब विद्वान लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने इस विषय में पर्याप्त मेहनत की है, प्रयास किया है, इसका अवलोकन और अवगाढ़न किया है। तो मेरे मन में ये बात आ रही थी जब डॉक्टर साहब जो है इस विषय के ऊपर चर्चा करें। तो पहले प्रोफेसर डॉक्टर वीना अग्रवाल जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ अंग्रेज जी, आज्ञा हो। जब आपने ये सायात और अनायात बात की स्वातंत्र के संदर्भ में, ये दोनों बातें हमें इस जीवन में लिविंग कंडीशन में रिलेट करती हैं।
तो जहां तक कश्मीर शैविज्म में स्वातंत्र्यवाद की बात है, जैसे बलजीनाथ पंडित हमें समझाते हैं कि ये स्वातंत्र्य जो बात है ये असल में रिलेट करती है परम शिव के साथ, कि वो स्वातंत्र्य अपने स्वातंत्र्य से अवरुद्ध हुए हैं, जो बाकी उसकी पूरे के पूरे 36 तत्व हैं उनमें वो स्वातंत्र्य से है। स्वातंत्र्य का अर्थ ये है कि वो खुद आए हैं अपनी चेष्टा से, ये नहीं कि किसी दूसरे कारण से ये क्या अवरुद्ध कहो जो भी डिसेंट कहो जैसे भी कहेंगे हम तत्वों में आना उस वो बात कही जाती है। जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है क्योंकि कई बार उस दार्शनिक स्वातंत्र की बात आसानी से समझ में नहीं आती कि शिव का स्वातंत्र है कि वो सब कुछ जो है वो उन्मीलित कर देते हैं आदि आदि। तो कई बार हम बहुत संक्षिप्त बातों से जब आरंभ करते हैं तो वो इंगित कर देते हैं कि वो अनंत और वो व्यापक जो है उसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले तो इस स्वातंत्र को हम समझ लें कि जो हमारा सायास स्वातंत्र है, फिर उसके बाद जो अनायास स्वातंत्र है जो हमारा स्वभाव बन जाता है, और फिर तीसरी स्थिति पे शैव स्वातंत्र जो है शिव की स्वतंत्रता है उसको हम शायद समझ सकते हैं, नहीं तो बुद्धि की अल्पज्ञता जो है वो इन सब बातों को जो है वो समझने के योग्य में नहीं बनाता। तो केवल इतना ही मेरा कहने का तात्पर्य। लेकिन मैडम बीना अग्रवाल जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। और अभी जैसे स्वातंत्र की बात चल रही थी और अभी आपने कहा शैवी स्वातंत्र, लौकिक स्वातंत्र की बात आप कर चुके हैं, शैवी स्वातंत्र की बात अगर हम करें तो इनके जो पंच कृत्य है उसके द्वारा भी बहुत अच्छे से, मतलब चूंकि स्वातंत्र की बात चल रही है इसलिए मैंने कहा चलिए उसी पे बात कर लेते हैं। जो सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह और निग्रह या तिरोभाव है इसके द्वारा भी हम बहुत अच्छे से इनके स्वातंत्र्य को समझ सकते हैं। जैसे वेदांत की भी बात चली, वहां उन्हें माया की या अविद्या की जरूरत है संस्कृत अपने सृष्टि को सामने लाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, शिव अपने स्वरूप का तिरोभाव कर लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं खुद अपनी ही शक्ति के द्वारा। जैसे बादल से, बादल जो है वह सूर्य को अगर दिखाई नहीं देता है सूर्य बादलों के आ जाने से, तो बादल यहाँ शिव की ही शक्ति है जबकि वेदांत में वो माया है। तो वो जब अपने आप को छुपा लेते हैं और फिर अपने आप को सृष्टि स्थिति संहार में प्रकट करते हैं। और जैसे दीक्षा की बात आई, दीक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि हम अपने आप का प्रत्यभिज्ञान कर सकें, और वो प्रत्यभिज्ञान के लिए भी शिव ने व्यवस्था कर रखी है अनुग्रह की, शक्तिपात की। तो यहाँ बात शिव से शुरू होकर शिव पर ही खत्म होती है, बीच की सारी सृष्टि है वो सारी शिव में है। तो इस तरह का जो स्वातंत्र है यह इनका एक, मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चंस कम खड़े होते हैं बजाय इसके जब हम सांख्य पढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं वेदांत में मीमांसा में, लेकिन ये वाला दर्शन थोड़ा सा ऐसा है। और खास तौर पर अभिनव गुप्त जब लोक चेतना की बात करते हैं, लोक चेतना मतलब वो इतने पहुंचे हुए साधक हैं, गुरु हैं, जैसे आपने बताया कि क्या शब्द नहीं है जो हम उनके लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसके बावजूद वो लोक चेतना संसार के स्तर पर स्थित रहते हुए कहते हैं, जब वो शिव को मनाते हैं कि आप इस संसार पर कृपा करें, तो एक पहुंचे हुए साधक हैं अभिनव गुप्त जो भक्ति में भी दर्शन की बात करते हैं, जो ये देख पाते हैं कि शिव और मैं अलग अलग नहीं हूँ। तो भ्यम मह्यम नमो नमः, वे नमस्कार करते हैं ऐसे शिव को, ऐसे जो मुझ में भी स्थित है। तो मैं केवल शिव को नमस्कार कैसे करूं, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं, मैं अपने आप को ही सर्वत्र देख पाता हूं। जिन्होंने ऐसा साक्षात्कार कर दिया था ऐसे अभिनव गुप्त को हम सभी नमस्कार करते हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं, बहुत हर्ष की बात है, अच्छा है इसी बहाने कुछ उनके संस्कार को हम ग्रहण कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सादर प्रणाम। आज का यह हमारा सौभाग्य है कि हमने आंगिरस जी का एक अद्वितीय भाषण सुना और इसको सुनने से हमारी जितनी भी संदेह थे उनकी निवृत्ति हो गई। आपने ये बताया आज कि लोक चेतना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। महाभाष्य में एक प्रश्न आता है कि वो कहते हैं कि आभ्यांतरो हम लोके न तो अहम लोक है, कि जो दुनिया है उस दुनिया में हर व्यक्ति
उस दुनिया का एक पार्ट है, पर वो दुनिया तो नहीं है। तो ये व्यक्ति भाव होता है कि हम अगर लोक में हम अपना व्यक्ति भाव रखें, उसी व्यक्ति भाव को यानी जीव भाव को हम जब शिव भाव की ओर ले जाते हैं, तो वही लोक चेतना हुई कि आध्यांतरो हम लोके न तो अहम लोक है, कि मैं लोक नहीं हूँ। पर जब हम उस अपने आभ्यंतर को विस्तृत करें, चारों तरफ परिपूर्ण करें, तो हम शिव को प्राप्त हो जाते हैं। तो जीव से शिव की जो यात्रा है वो लोक को, मैं व्यक्ति से लोक बन जाऊं, मैं व्यक्ति से समष्टि की ओर जाऊं, और सब कुछ मैं तभी बन सकता हूं कि जब मैं अपना जो अहंकार है उसको छोड़ूं। इस बात को इन्होंने बहुत स्पष्ट किया, और हम इनको केवल इसमें टिप्पणी ये कि मैं इनको केवल सादर प्रणाम करता हूं, और ये अपना अहोभाग्य समझता हूं कि हमें ये दुर्लभ और अद्वितीय अनुत्तम भाषण सुनने को मिला। सादर प्रणाम जी। तो धन्यवाद सर। किसी और की कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, नहीं तो सुनील रैना राजानक जी, और फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। चलिए सुनील जी आप अपनी। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, आचार्य जी। एक सेकंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिनव तिवारी जी उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। अभिनव जी। जी जी, मेरी आवाज नहीं दे रही सर? जी बिल्कुल स्पष्ट है। तो सभी आचार्यों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि कश्मीर शाह सिद्धांत में भक्ति की क्या अवधारणा है, भक्ति की क्या स्थान है? जैसे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव में एक महाभाव की स्थिति आती है, तो क्या कश्मीरी जो शैविज्म है इसमें भक्ति की परम अवस्था क्या है, किस अवस्था क्या है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे। क्या जी, मुझे लगता है शायद आप समावेश के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर इसके ऊपर बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी अगर आप करें कि वैष्णवों में जैसे महाभाव है उसी तरह शैवों में क्या है, ऐसा अभिनव जी का शायद प्रश्न है। जिस तरह से शैवों वैष्णवों में महाभाव का अवधारणा है, महाभाव की, कि उसी तरह उसके समकक्ष शैवों में क्या है? तो मुझे तुरंत शब्द तो समावेश ध्यान आया, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर मुझे लगता है बहुत संक्षिप्त सी एक टिप्पणी। मुझे कहा है? हाँ जी आप ठीक कह रहा हूं। उसमें कश्मीर शिविज्म में भक्ति का बड़ा उत्कर्ष है, उत्कृष्ट स्थान है वहाँ, क्योंकि वो समाधि बद्रेण अन्य भेद्यो भेद भूधरा, भेद का भूधर जो है वो कहते हैं कि भेद का महापर्वत, कि मनुष्य शिव कैसे हो सकता है, ये भेद करके हम चलते हैं। समाधि बद्रेण आप जन्य भेद जो भेद भूधरा, और ये तद्भक्ति क्या है, तद्भक्ति बलशाली भी उसको बिल्कुल ऐसे बड़ी आसानी से तुम्हारी भक्ति में रहने वाले जो लोग उन्होंने उसको बहुत एक क्षण के अंदर ही उस भेद के भूधर को गिरा करके अभेद भूमिका को प्राप्त कर दिया। तो भक्ति यहाँ पर उसमें है एक, ये शब्द सही प्रयोग किया है कि चित शक्ति समावेश तरंगित हृदय, चेतन शक्ति के समावेश से वो भक्ति जो है एक, ये एक प्रकार का समावेश है, और ये समावेश जो है ये पर्वत रहने वाला जो समावेश है, और आचार्य उत्पल ने जो शिव स्तोत्रा बोली, और जितने दूसरे वो स्तोत्रा बलियों का जो रचना हुई है उन सब में भक्ति प्रधान है। लेकिन वहां पर भक्ति का जो छेड़ है, और एक दर्शन का जैसे होता है कि भक्ति के अंदर थोड़ा कहीं पर हम
उनका परिचर्चा में बड़ा इनफॉर्मल होकर के कुछ अपने उसको प्रकट कर सकते हैं। और कश्मीर के जो भक्ति भाव है उसके अंदर वो शिव के साथ डायरेक्ट उसको कह सकते हैं, देखो ये क्या है कि तुम वहाँ पर आप नाथ, हे नाथ आपने ऐसा किया, लेकिन अत्य माम प्रति की मागतम यथा, आज क्या हो गया है कि मेरी बारी आप मुझे उद्धृत नहीं कर रहे हो। तो भक्ति का वहां पर अपनी आत्मी का वो भेद, क्योंकि उसमें भेद जो है कश्मीर शैविज्म में भेद को कल्पित कर लेते हैं, भेद कल्पित है वो अपना आरोपित है और उसको आरोपित करके हटा लेते हैं। भक्ति का बहुत महत्व है उसके अंदर जी। तो और आचार्य अभिनव जो है वो जब ये कहते हैं स्वेच्छा विभाषिता शेष लोक यात्रात्मने रहा, लेकिन यहाँ पर भक्ति के साथ समावेश का मतलब है कि अवेयरनेस साथ जुड़ी हुई है, शिवता को साथ साथ अनुभव करते हुए जो भी कह रहे हैं ये उसमें वो बिल्कुल अपना, जैसे आप एकदम बिल्कुल बहुत ही अपने क्लोज करीब होते हैं इस ढंग से बात करते हैं। वो भेद भूत रहा समाज वज्रनाप्य भेद जो भेद भूत रहा वो क्या था भक्ति बलशाली भी उसको उन्होंने तुरंत तोड़ दिया। तो भक्ति का उसमें बहुत महत्व है, और लेकिन ये भक्ति जो है ये समावेशात्मिक का भक्ति जो है ये अवेयरनेस के साथ है बहुत ज्यादा। और आचार्य उत्पल का मैं समझूं शायद सबसे ज्यादा प्रधान भाव रहा है भक्ति का। मुझे कुछ कहना है जी। योगेश सर को प्रणाम ही कहना है, मुझे सर शायद पहचान जाएंगे। बस एक माइनर कमेंट है मेरा, तो ये पारिभाषिक शब्दावली से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ और मुझे रिटायर्ड हुए बहुत समय हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये शायद हो सकता है इरेलेवेंट हो, बट लग रहा है कि कुछ वैशिष्ट या भेद को हमें देखना होगा, क्योंकि लोक चेतना की सर जो बात कर रहे हैं अफर्मेशन जो है श्री अभिनव गुप्त में, वही लाइफ अफर्मिंग और वर्ल्ड अफर्मिंग व्यू पॉइंट होल ऑफ वेद संगीता और ब्राह्मण भागों में तो परिपूर्ण रूप से है। और वैसे ही जितने भी रियलिस्टिक सिस्टम है, यदि हम दर्शन में बात करें, न्याय है, वैशेषिक है, एवं श्रवण परंपरा है, योग, सांख्य, ये सब इनमें भी लाइफ अफर्मिंग या जगत को कहीं डिनाई नहीं किया गया। और वैष्णवों में तो ये प्रमुख रूप से है, सारे संत साहित्य में है जहाँ जगत को इतनी सार्थक माना है। प्रेय श्रेय का जहाँ भेद है वहाँ प्रेय की प्रधानता, प्रेय को भी स्थान उतना ही दिया है जितना श्रेय को है। तो लाइफ अफर्मिंग तो एटीट्यूड रहा ही है मोस्ट ऑफ द थिंकिंग ट्रेडिशन में, तो लेकिन वैशिष्ट इसका क्या हो ये हम देखें, तो ये एक माइनर बात मुझे लग रही थी। और सर को बहुत कोटि प्रणाम सर, मैं रिटायर्ड टीचर आपको ध्यान आ गया होगा कविराज जी। प्रणाम सर, थैंक यू। ये वस्तुतः आपने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया श्रेय और प्रेय का, और बाकी इस ओर ध्यान हमें ये प्रयोग में लाना चाहिए था कि किस तरह से जो श्रेय और प्रेय हैं वो लोक चेतना का निर्माण करते हैं। लेकिन इस पे एक वेबिनार हम ऑलरेडी कर चुके हैं लगभग साल पहले ही कि श्रेय और प्रेय की अवधारणा क्या है, लेकिन वो वेद के संदर्भ में ही हमने रखा था। लेकिन ये बड़ा सुंदर आपने शब्द हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद आपका। तो अब मैं चाहूंगा कि श्री सुनील रैना राजानक जी, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन हम करेंगे। सुनील जी आप सूचनाएं भी दे दीजिए और संकेत में अपनी बात भी। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता था अगर आज्ञा हो, समय अगर हो, अगर समय हो। प्रश्न कर लीजिए। प्रश्न तो कर लीजिए बिना जी से या उनसे, मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत आपने उत्पल दत्त की शिव स्त्रावली की बात की, जहां वो कॉन्सेप्ट जो कहते हैं कि दुख क्या है, वो सेपरेशन, मुझे ये चीज हमेशा बहुत परेशान करती है, समझ नहीं आती है कि अद्वैत में
भक्ति का क्या रोल हो सकता है? या तो फॉर्मलिज्म हो गया कि सब लोग भक्ति करते हैं हमने भी करनी है, लेकिन अब जब अद्वैत है, जब स्वयं को नमस्कार है, तो फिर भक्ति कैसे हो सकती है? इतनी बहुत अच्छे मुझे लगता है ये तो एक टिप्पणी के योग्य है ही है। इसकी टिप्पणी एक 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 पंक्ति में कर देता हूँ। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। कभी आप उस एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए वो द्वैत जो है वो बहिष्कृत नहीं है प्रतिभिज्ञा में, ये ध्यान में रखिएगा। फॉर्मलिज्म भी हो गया ना, अभेद जो है ना, अभेद में भेद कल दो सत्ताओं का आपस में दो का नहीं तो प्रकाश शब्द अकेले ही काफी था, विमर्श कहने की जरूरत ही नहीं थी। अभेद विमर्श उसके साथ ही रहता है, लेकिन अभेद और विमर्श जो है ये भेद होते हुए कल्पित किया जाता है उसमें रसास्वादन के लिए। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। जो आप सौंदर्य बोध के लिए कभी कभी आप ऐसे मचल जाते हो तो उसमें द्वैत को थोड़ी देर के लिए कल्पित कर देते हो। तो क्या ऐसा कहना उचित होगा, भट्ट साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं क्योंकि बहुत सुंदर बात है कि भी जब बुद्धि जो है अपनी वैचारिकता से थक जाती है तो फिर हमारा मन करता है कि चलो थोड़ा सा भावुकता को भी देख लिया जाए, बापू भी हो। ऐसा ही कुछ है। जाते समरसानंदे द्वैतमप्यमृतोपमम। समरसता की बात जब समझ में आ जाती है तो वहां द्वैतमप्यमृतोपमम, वहां द्वैत भी अमृत के समान मधुर लगने लगता है। चलिए इस विषय को जरूर देखेंगे जब द्वैत पे चर्चा करेंगे, द्वैत वेदांत और अन्य दर्शनों पे, कि बौद्धिकता की सीमा के पश्चात ये भक्ति आरंभ होती है या भक्ति के पश्चात जो है वो बौद्धिकता आरंभ होती है, या दोनों के अंतर संबंधों का जब हम समालोचन करेंगे तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का प्रश्न लेंगे। भट्ट साहब का धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत आह्लादजनक है। अब ये आह्लाद जो है ये बौद्धिक व्यापार है या भाव व्यापार है, इसको हमें देखना होगा शैवी दृष्टि से। चलिए, उन्होंने ठीक कहा, वो मजे के लिए इधर उधर देख लेते हैं। बहुत सही बात है। चलिए सुनील जी और उसके बाद फिर वीरेंद्र जी धन्यवाद करेंगे। मैं सबसे पहले आश्री आचार्य उत्पल देव जी की शिव स्तोत्रावली की पहले सूत्र का को सामने उद्धृत करता हूँ। न ध्याये तो न जपता सौदास्य विधि पूर्वकम एवमेव शिवाभासतम नमः भक्तिशालिनी। यहाँ शैवाचार्य उत्पल देव जी सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों के कारण ही उस शिवत्व को प्राप्त होता है। ये एक डिफरेंट स्टेजेस है, ये ऑल दैट स्टेजेस कल्मिनेट इन टू परम शिव, लेकिन उस पहले द्वैत से गुजर के ही अद्वैत का एक मार्ग प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसके लिए उत्पल देव जी ने शिव स्तोत्रावली में उसकी ओर संकेत दिया हुआ है। परंतु आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें अपना समय निकाला, अस्वस्थ होने के बावजूद भी हम सब भक्तों के ऊपर कृपा करी और हमें अपने व्याख्यान से प्रसादित किया। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और सबको जोड़ा इस कार्यक्रम के साथ। हमारे साथ विमर्शनी शक्ति के रूप में डॉक्टर बीना जी जुड़ी हुई है, भट्ट साहब जुड़े हुए जम्मू से और बाकी सब भक्तगण जुड़े हुए, उन सबका मैं साधुवाद करता हूँ। वीरेंद्र जी का विशेषकर रूप से कि उन्होंने समय लिखा के इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महामहेश्वर अभिनव गुप्त की जयंती के समारोह में कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहे और ऑनलाइन भी करते, विशेषकर ऑनलाइन करते रहे और कुछ कार्यक्रम ऑफलाइन भी हुए। आप सबको ये सूचित भी करता हूँ कि कल 18 जून को निर्जला एकादशी के दिन जहाँ महामहेश्वर जी की जयंती है और जो अंत में वहाँ जिस गुफा में बीरवा में गए थे वहाँ भी एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है,
कश्मीर में जितने भी हिंदू श्रद्धालु जन हैं वो कल बीरवा गुफा में जाके विधिवत पूर्व से महामहेश्वर की जयंती को मनाएंगे। और ये अपने आप में एक पहली ऐसी पहल होगी बहुत 50 वर्षों के बाद, जहाँ पे ये कश्मीरी हिंदू वहाँ जाके पूजा अर्चना में भाग लेंगे। आज शाम की इसी क्रम में, लेक्चर सीरीज के क्रम में, आज शाम को डॉक्टर बीना जी का व्याख्यान है। बीना जी आज हमारे साथ अभी जुड़ी भी है, तो 8 बजे आप सब अनुरोध है कि 8 बजे जूम पे ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मैंने चैट में आप सबके साथ साझा किया हुआ है। और बीना जी के साथ बाद में श्रीगिरी मिश्र का भी व्याख्यान होगा। और कल अष्टो जी ने कल की भी सूची दी है, कल श्री डॉक्टर शिवानी जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगी 11 बजे, और उसके बाद 10:30 और कल शाम को फिर 8 बजे के करीब अमेरिका से हमारे साथ प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा जी जुड़ेंगे, जो इस कार्यक्रम के अंत इस लेक्चर सीरीज का एक अंतिम क्रम होगा। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि इन ऑनलाइन कार्यक्रमों का लाभ करें, प्राप्त करें, ताकि हम में थोड़ा बहुत, जैसे बीना जी ने कहा कि थोड़ा बहुत महामहेश्वर जी अभिनव गुप्त के कुछ गुण हम पे भी प्राप्त हो जाए और कुछ उस मार्ग पे चलने का हमें भी एक अवसर मिले, ताकि हम भी शिवत्व को प्राप्त करें और कल्याण मार्ग के एक पात्र बने। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वीरेंद्र जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें अपने विभाग की ओर से, अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से। डॉक्टर वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। सर्वप्रथम तो मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से लोक चेतना को व्याख्यायित किया और इसमें सारगर्भित और संक्षिप्त व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार। इसी के साथ साथ जो और महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर बीना जी, प्रोफेसर राजेंद्र जी, कौशल जी, सुनील रैना जी, भट्ट जी और इसके अतिरिक्त और जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जो है अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और ये जो योजना है ये क्रम इसी तरह ज्ञान गंगा अचित रूप से प्रभावित होती रहे, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो आज की सभा विसर्जित करने से पूर्व, इसको पूर्ण करने से पूर्व मैं आपको एक आध सूचना और देना चाहता हूँ कि आज शाम का तो आपको बता ही दिया है, कल सुबह का भी एक व्याख्यान है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू अभी करेंगे क्योंकि अलग अलग विषय भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो कृपया धैर्य पूर्वक हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि अगले अगले जो विषय हैं वो नितांत भिन्न विषय हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो विषय लिए जाने वाले हैं, एक तो गुड गवर्नेंस पे है कि संस्कृत शास्त्रीय समीक्षा उसकी, उसके बाद जो है ये डार्विन, फ्रायड और मार्क्स, इनकी क्रिटिसिज्म है संस्कृत शास्त्रीय, और उसके बाद दिक और काल, दिक और लोक, इस विषय पर भी हम बहुत जल्दी ही एक विषय लेने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, धैर्यपूर्वक उसमें जुड़ें। तो मैं आपको सूचना जो है ग्रुप में भी और बाकी जगह पे भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो आप लोग समय पे जुड़ें, उसके लिए बस यही सूचना मुझे आपके साथ साझी करनी थी। और सभी धैर्यपूर्वक आप लोगों ने इस में प्रतिभागिता की, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा, डॉक्टर साहब ने फॉर्म जो है वो साझा कर रखा है, सर्टिफिकेट्स आपके ऑनलाइन आ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो शाम को प्रोफेसर डॉक्टर बीना जी का वक्तव्य सुनिए और कल दूसरा वक्तव्य। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप नहीं, मेरा धन्यवाद क्या, ये तो मेरा दायित्व है, ये तो करना ही है। जी जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा।